8 मिनट के वीडियो में किसी गांव पंचायत का पूरा विकास नहीं दिखाया जा सकता है, ना ही उसकी समस्या दिखाई जा सकती है, पर यह एहसास कराया जा सकता है कि आखिर इन गरीबों का हर कौन मार रहा है। आखिर आज भी झारखंड के पंचायत ग्राम में जो सुविधा, जो आवास का लाभ या अन्य लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, उनका हक कौन बिचौलिए मार रहा है? आखिर इस बिचौलियों का समर्थन किसे कौन दे रहा है, कौन हावी है इस बिचौलियों पर, यह भी एक गंभीर समस्या है। यह कहानी है केंदुआ ग्राम की। आज भी कई लोग जो सरकारी सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे महरूम हैं। देखिए मेरी पूरी रिपोर्ट। और ये राजेंद्र यादव जी का मकान है। सरियाहाट प्रखंड मुख्यालय से 10 किलोमीटर की दूरी पर यह केंदुआ पंचायत सबसे शिक्षित गांव में से एक है, लेकिन आज भी यहां पर पीएम आवास की जो सच्चाई यदि आपके देखेंगे तो आपकी रूहें कांप जाएगी। और उज्ज्वला गैस योजना की सच्चाई यदि आपको देखना हो, सांसद महोदय, विधायक महोदय, तो आप एक बार केंदुआ गाँव जरूर आएँ और यहाँ की परिस्थिति देखें कि किस अवस्था में यहाँ के ग्रामीण रहते हैं। ये फूस के पर बना यह मकान। अब आइए हम पूछते हैं कि इतनी सारी योजनाएं ये चल रही है, आखिर इन्हें पीएम आवास का लाभ या उज्ज्वला गैस का लाभ या शौचालय का लाभ क्यों नहीं मिला? हाँ बोलिए। हाँ, वृद्धा पेंशन, नहीं कॉलोनी, नहीं गुहार, नहीं शौचालय, एक भी सरकारी लाभ अभी तक कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं मिला आपको अभी तक? वही हो, सब नेता होने नहीं देता यहाँ का, जितना चमचा है होबे नहीं करेगा, होबे नहीं करेगा। अंत्योदय कार्ड है आपके पास? हाँ, अंत्योदय कहाँ है दिखाइए जरा। इमाम है अंत्योदय कार्ड, देख लीजिए अंत्योदय कार्ड। तो शौचालय आपको मिला है? नहीं, शौचालय नहीं मिला। उज्ज्वला गैस का लाभ? गैस मिला है। पीएम आवास? पीएम आवास कुछ नहीं, सब कुछ नहीं। तो आपने जो आवेदन यहाँ का मुखिया को दिए कि नहीं? देते थे, वो सब चीर कर सब मुखिया बिक देता है, कहता है होगा होगा। क्या बोलता है? नंबर के साथ होगा, अभी नहीं होगा, हटो। आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ हम करीब 70-72 साल से रह रहे हैं। कौन सा गांव है ये? केंदुआ। कौन प्रखंड में है? सरिया प्रखंड में। कौन सा जिला में? दुमका जिला में। तो विधायक जी से कभी अनुरोध किए कि नहीं? यहाँ के विधायक कौन है? विधायक जी प्रदीप यादव को है, तो प्रदीप यादव कहता है सब नेता को बोलो नहीं, सब करेगा, वो सब काम हम करते हैं। सांसद महोदय कभी आए कि नहीं आपके पास? नहीं, सांसद महोदय नहीं, निशी काम दुबे कभी नहीं आया। वृद्धा पेंशन आपको अभी तक नहीं मिला? वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है। आप लोग अपना जीवन कैसे चला रहे हैं, खेती पर है कि कुछ और? एक दो बीघा खेती बाड़ी करते हैं और एक दो यही गाय माल रखते हैं, दूध दूध बेचते हैं, तो उसी से चल रहा है, क्या करें। धोती साड़ी मिला कि नहीं अबरी बार? देखो नूंगी एक तो साड़ी मिला है। अभी हम केंदुआ गांव आए हुए हैं और विषम परिस्थिति में भी यहां का रिपोर्ट बनाना पड़ रहा है, और वैसे लोगों को पीएम आवास का लाभ मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिल पा रहा है। अब पूरे गांव घूमते हैं और देखते हैं किसे नहीं, क्या क्या लाभ नहीं मिला है। रिपोर्टिंग करना मामूली नहीं है, जब आप निष्पक्ष रूप से जनता की आवाज़ बनने की कोशिश करेंगे तो आपको इन रास्तों से होके गुजरना पड़ेगा। हमको कोई यहाँ न इंदिरा आवास मिला, न कोई हमको फैसिलिटी सरकारी मिला है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नरोत्तम ठाकुर है, मेरा पिताजी का नाम श्री बालकृष्ण ठाकुर, तो जो चारपाई पे बैठा तो है, लेटा हुआ है। तो आपको पीएम आवास का लाभ नहीं मिला? नहीं। ये कार्ड वगैरह है कि नहीं? बीपीएल कार्ड? हाँ, बीपीएल कार्ड है। आपने आवेदन दिया कि मुखिया को? हाँ, मुखिया को हमने कहे, मुखिया से तंचक भी हो गया। क्या बोले मुखिया? मुखिया बोला जो नहीं, जब होगा तब होगा, इसके अलावा हम नहीं दे सकते। यहाँ पर इस गांव में पीएम आवास का लाभ और किन्हीं व्यक्तियों को मिला है? हाँ, बहुत मिला है। इस जगह जियो टेक हुआ लेकिन हमारे घर में जियो टेक नहीं किया, यहाँ तक का है जो पैसा पे जियो टेक करवा के और भेज दिया, लेकिन हमारे घर में हम जजमान जा जाते हैं, बाल बच्चा कैसे पालेंगे, गरीब आदमी है। कितने बाल बच्चे हैं आपका? अब मेरा 2 लड़का, एक परिवार है, एक हम है, एक मेरा बूढ़ा पिताजी है।
हमको कोई आवास नहीं मिला, पीएम आवास। क्या बोलता है मुखिया, क्या बोलता है? मुखिया के पास जाते हैं तो वो तो बोलता है जो होगा होगा, उसके बाद बोलता है नेता के पास, और नेता के पास जाते हैं तो वो 5,000 मांगता है तब होगा। मुखिया और नेता दोनों मिल के एक रिश्वत लेता है। क्या समस्या है बाबा आपका? समस्या क्या है, तो हम लोग गरीब आदमी हैं, कमाते हैं, खाते हैं, इधर पूजा पाठ कराते हैं, इधर बाल बच्चा ठीक है, और जो जिसको कि पक्का का घर है उन्हीं को 3 बार 4 बार मिल रहा है, आ हम लोग पानी चूरा है, आप देख लीजिए दिगर खाकर उठ रहा है, यही है, यही घर है। कोई और जिनको कि पक्का का घर है 2 बार 3 बार 4 बार ले चुका है। आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम हुआ प्रमोद ठाकुर। ये कौन सा गांव हुआ? केंदुआ। कौन प्रखंड में ये? सरिया प्रखंड। तो आप लोग मुखिया वगैरह कुछ बोले नहीं कि गरीब का हो जाएगा, हो जाएगा, बिचौलिया सब जो है इधर उधर करता है, नहीं करता है, और पक्का का घर जो है सो माने जिसको है पक्का का घर वही जो है उन्हीं को मिल रहा है 3 बार 4 बार। हम लोग तो ऐसे त्राही भगवान में। क्या नाम हुआ आपका? प्रकाश ठाकुर। कौन सा गांव है ये? केंदुआ है। कौन प्रखंड में है? सरिया प्रखंड। क्या समस्या आप लोग का? देख रहे हैं आप लोग, फूस का घर है, नरवा का घर है, क्या करें? अब मिट्टी के दीवार है, होने नहीं देता है, होता है तो ये लोग प्रॉब्लम करता है अगल बगल। कौन प्रॉब्लम करता है? अगल बगल का आदमी का प्रॉब्लम। अगल बगल पीएम आवास नहीं करता, मुखिया करता है, तो मुखिया का ठीक है, वही सब बकायदा होगा होगा, दूसरा तीसरा को। ग्राम सभा में आप लोग कभी गए कि नहीं? गए हैं, बोलता है हो जाएगा, नाम पता लिखाया, अब कहाँ फड़ा जाता है, क्या होता है दूसरे का, वो हो जाता है, इसीलिए हम लोगों को। मुखिया कभी आए कि नहीं आपका घर देखने के लिए? हमारा घर नहीं आया। वीडियो वगैरह कोई नहीं आया। अब ऐसी अवस्था आप देख सकते हैं, जिन्हें सरकारी आवास का लाभ मिलना चाहिए उन्हें ये लाभ नहीं मिला है। ये पूरा फूस का घर, हम लोग इस भाषा में नरवा का कह सकते हैं, नरवा का घर है, और ये बांस पर टिका हुआ है, और ये मिट्टी की दीवार है। अब ऐसी परिस्थिति में आप विकास को समझ सकते हैं कि किस तरह से गरीबों का विकास हो रहा है। सारा आवास, पीएम आवास जो है वो बिचौलियों के बीच में बढ़ जाता है, जो सक्षम है पैसे देने में, जो शिक्षा में पैसे देने में, वही उन्हीं लोगों को पीएम आवास मिलता है। क्या समस्या बाबा आपको? हमको वृद्धा पेंशन चाहिए। वृद्धा पेंशन चाहिए। क्या नाम है आपको? चांद प्रसाद यादव। वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन वगैरह दिए कि नहीं मुखिया को? दिया। आइए। दिए हैं। दिए हैं। क्या बोलते हैं? हाँ दिए हैं, कहा हो जाएगा, अब होगा तब मैं।